हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का फिर से आज की एक और नई वीडियो में। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रम ब्रेक आप कैसे टाइट कर सकते हो। तो भाई ड्रम ब्रेक में एक प्रॉब्लम आती है सबसे ज़्यादा। तो भाई जैसे कि आप अपने ट्रैक्टर को यूज़ कर रहे हो, उसमें ब्रेक का तो यूज़ सबसे ज़्यादा होता है भाई। ट्रैक्टर जो भी कुछ भी ऐसा जो साधन होते हैं तो सब में ब्रेक का ज़्यादा यूज़ होता है। तो भाई इसमें क्या है, जो ड्रम ब्रेक होते हैं उसमें कुछ टाइम के बाद जो ब्रेक होते हैं लूज़ हो जाते हैं। तो भाई लूज़ होने के बाद ट्रैक्टर के ब्रेक कम लगने लगते हैं और उसके चलते भाई थोड़ी दिक्कत आने लगती है। तो भाई ये देखो कितने नीचे जा रहा है ये ब्रेक। तो भाई इसको हम टाइट कैसे कर सकते हैं, भाई इस वीडियो में यही आपको बताने वाले हैं। तो भाई वीडियो को इसकी मत करना भाई, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और जो भाई चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो भाई बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई इसको टाइट करने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिएगा, ये आप देख सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके के ड्रम ब्रेक होते हैं, ये इस साइड देख लो, ये इस साइड का ये है। तो भाई यहाँ पे आपको एक कैप मिल जाती है इसके ऊपर, तो उसको आपको खोल लेना है और एक ऐसा स्क्रू ड्राइवर लेना है आपको पेंचकस। तो उसमें अंदर जो आप देख रहे हैं तो इसमें कुछ पॉइंट बनाए हुए हैं इसको घुमाने के लिए। तो आपको ये यहाँ पर डालना है पेंचकस और आपको इस साइड में इसको घुमा लेना है, ये देखो भाई घूम रहा है, ये देखो। तो इस तरीके से आपको जितना टाइट करना है अपने हिसाब से इसको इतनी बार इस साइड घुमा लेना है। तो भाई अपने हिसाब से इसको टाइट कर लेना है। तो एक बार मैं आपको दिखा दूं। तो भाई आपको यहाँ से चेक करना है, पैर रखना है इस पे पैडल पे और इसको नीचे दबाना है। तो यहाँ आपको आराम से पता लग जाएगा कितना टाइट हुआ, और नहीं टाइट हुआ तो ये नीचे भागेगा और आपको पैर रखते ही पता लग जाएगा कुछ भी थोड़ा सा भी जो टाइट हुआ होगा। तो भाई इसे आपको इतना टाइट करना है, जिससे ज़्यादा टाइट करोगे तो भाई इसमें आपका जो ब्रेक्स होते हैं ये भी घिसने के चांस रहते हैं, ज़्यादा धुआं उठता है। फिर इसमें अगर टाइट हो जाता है तो भाई अपने आप ही इसमें ब्रेक लगने चालू हो जाएंगे, चाहे आप ब्रेक दबाओ या ना दबाओ। तो भाई इसमें थोड़ा आपको सोच समझ के करना पड़ेगा, आपको वहीं से चेक करना पड़ेगा ब्रेक पैडल पे पैर रख के। अगर ब्रेक अपने आप लगने लगे तो भाई इसमें जो ब्रेक्स होते हैं वो अपने आप घिसेंगे और इसमें धुआं भी उठ सकता है। तो भाई दोनों साइड में ऐसे ही है, इस साइड में भी इस तरह का ही। तो भाई आप यहाँ से टाइट करने के बाद तो आपके जो ब्रेक हैं वो लगने चालू हो जाएंगे, तो वे ठीक वर्क करने लगेंगे भाई पहले से। तो भाई यहाँ से आपको चेक कर लेना है दोनों पैडल पे पैर रख के कितना टाइट हुआ है, तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा। तो भाई इस तरीके से आप ड्रम ब्रेक टाइट कर सकते हो। तो भाई यही थी आज की वीडियो। भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।